नमस्कार आयु ब्लस आयुर्वेदा व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शबनम चौहान, सीनियर आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे अस्थमा या ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। अस्थमा यानी श्वास रोग सांस के फूलने या दम के फूलने को कहा जाता है। जब हमारी श्वास नलिका यानी कि लंग्स का जो एयर पैसेज है वो कम होना शुरू हो जाता है किसी भी कारणवश, तो वहां सांस लेने के लिए जोर लगाना पड़ता है ऑक्सीजन प्रॉपर अंदर पहुंचाने के लिए। उस दम के फूलने को दमा कहा जाता है। ये एक कफ और वायु दोष प्रकोपक रोग है। आयु वर्ग में अगर हम देखें तो बच्चे से लेकर बूढ़ों तक ये प्रॉब्लम सबको हो रही है, और आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, डस्ट पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, और हमारा लाइफस्टाइल में जो फिजिकल एक्टिविटी है वो घटती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी जो लंग कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। अब हम बात करते हैं अस्थमा यानी कि श्वास रोग के लक्षणों के बारे में। जब किसी को सांस लेने में या सांस छोड़ने में बहुत कष्ट हो या जोर लगाना पड़े, और खांसते खांसते ये स्थिति हो जाए कि बेहोशी की हालत हो जाए या फिर दम छूट रहा हो, और जब तक कफ ना निकले तब तक आराम ना आ रहा हो, या फिर लेटने के बजाय बैठने में ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा हो, या गर्म चीजों का सेवन या गर्म जगह का जो संपर्क है वो अच्छा महसूस हो रहा हो, तो मान लेना चाहिए कि ये रोगी श्वास रोग से ग्रसित है, यानी कि इन्हें अस्थमा हो सकता है। इन लक्षणों के आधार पे जब हम अस्थमा से ग्रस्त रोगी की सिचुएशन देखते हैं, अगर उन्हें कफ निकालने में परेशानी हो रही है या सांस लेने में कष्ट हो रहा है, तो कुछ उपाय हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उन्हें आराम मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं हम क्या क्या उपाय प्रयोग कर सकते हैं। सौंठ यानी कि सूखी हुई अदरक, काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर और पिपली, इन तीनों को बराबर मात्रा में लें और इन्हें पीसकर इनका पाउडर बना ले। अब इस पाउडर यानी कि त्रिकटु, इस पाउडर को कहते हैं त्रिकटु चूर्ण। इस त्रिकटु चूर्ण को आप आधा आधा चम्मच दिन में 3 बार शहद के साथ मिलाकर चाटे, जिससे आपके गले में और श्वास नलिका में जो कफ बनता है वो बनना कम होगा और ऑलरेडी जमा हुआ जो कफ है वो निकलना शुरू होगा। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास ये सब चीज नहीं है तो आप काला बासा या नॉर्मल बासा के पत्ते लें, उनका रस निकालें और 3 चम्मच रस जो है वो शहद में मिलाकर सुबह शाम ले सकते हैं। इससे भी आपको सांस की तकलीफ में काफी आराम मिलेगा। सेवन के अतिरिक्त यदि हम मसाज की बात करते हैं तो आप घर में सरसों का तेल या तिल का तेल लें, उसमें थोड़ा नमक मिलाकर छाती और कमर की मालिश करें, जिससे सांस लेने की तकलीफ में काफी आराम मिलता है। इसके साथ साथ आप किसी भी नजदीकी आयुर्वेदाचार्य के परामर्श अनुसार आयुर्वेदिक औषध सिद्ध योगों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको तुरंत लाभ होगा। अब हम बात करते हैं परहेज यानी प्रिकॉशंस के बारे में। अगर किसी को अस्थमा यानी श्वास रोग की समस्या है तो वो कुछ परहेज का पालन करे, कुछ प्रिकॉशंस और फूड रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करे, तो उनको सांस लेने की तकलीफ में काफी आराम मिल सकता है। कुछ परहेज खाने के हैं और कुछ रहन सहन के हैं, जैसे उड़द की दाल, दही, लस्सी, तला हुआ खाना, ज्यादा फ्राइड हॉट स्पाइसी फूड, या फिर ठंडा खाना, या आप जो है ठंडे इलाकों में रहते हैं या एसी ज्यादा चला के रखते हैं, अगर आप उनसे दूर रहेंगे, उन्हें अवॉइड करेंगे, तो आपको अपने आप सांस की तकलीफ में आराम दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं यानी लाइफस्टाइल की बात करूं, तो आप रेगुलर सुबह उठते ही प्राणायाम अगर करते हैं तो आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपको सांस की तकलीफ में काफी आराम दिखेगा। आप अपनी या अपने परिवार की कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या या प्रश्न मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद।